नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो भारत में प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय पर आधारित है। ये छोटा सा वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो इस बात में बहुत कंफ्यूज कहते हैं कि गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था और वायसराय कौन था। ठीक है, ऐसा चाहे 5 तरह का क्वेश्चन बनता है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का प्रथम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय या स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल, भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ऐसा काफ़ी तरह का क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो में वो जितने भी कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आप एक बात समझिए कि जब भारत में अंग्रेज अपना शासन स्थापित कर रहे थे तो भारत उन्होंने 3 केंद्र बनाए, 3 मुख्यालय बनाए, जिसे हम लोग प्रेसिडेंसी बोलते थे। और 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल का प्रेसिडेंसी, मद्रास का प्रेसिडेंसी और मुंबई का प्रेसिडेंसी। और तीनों प्रेसिडेंसी के अपने अलग अलग गवर्नर होते थे। ठीक है, उस समय क्या था कि कोई भी गवर्नर किसी से ऊपर या नीचे नहीं था। कहने का मतलब, बंगाल का जो गवर्नर था वो अपने आप में बंगाल वही पावर रखता था जो मद्रास का गवर्नर रखता था, जो बॉम्बे वाला एरिया का गवर्नर रखता था। लेकिन उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। लेकिन उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसके अधीन ही मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर जो है वो आएंगे। ठीक है, मतलब कि बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ही मद्रास और मुंबई वाले गवर्नर को लाया गया। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जो उस समय था, अब उसका नाम कह दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, ये कंपनी का अधीन था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन उसके अंतर्गत मद्रास मुंबई वाले गवर्नर जनरल भी आने लगे। तो कंपनी के अधीन जो ये पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। 2 बार बने थे गवर्नर, 1757 से 1760 तक, और उसके बाद 65 से 67 तक, इसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, जो बने थे 1772 में, और इनके शासनकाल के समय ही आपको 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसके साथ ही जो पहले वो गवर्नर थे बंगाल के, उनको अब उनका पोस्ट का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस कारण से बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और उसके बाद उन्होंने गवर्नर के तौर पर 72 से 74 तक उन्होंने शासन किया, और गवर्नर जनरल के तौर पर 74 से 85 तक शासन किया। इसके बाद कंपनी के अधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए अब बंगाल के जो गवर्नर जनरल का नाम है उसी को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। ठीक है, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, उस गवर्नर का पावर बढ़ाया गया, और उसके अंतर्गत मुंबई जो बॉम्बे है और मद्रास है उसके प्रेसिडेंसी को भी ले आया गया, और उसका नाम कह दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर क्या किया गया कि 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया। उस चार्टर एक्ट के अधीन ये व्यवस्था किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और उसके अंतर्गत तो उसमें क्या किया गया था कि तब तक अंग्रेज़ों ने और भी बहुत से भारत के एरिया को कब्जा कर लिया था, तो उसके अंतर्गत तो भारत के संपूर्ण जो अंग्रेजी साम्राज्य है, भारत के अंतर्गत तो जितने भी अंग्रेजी साम्राज्य थे वो चाहे किसी भी एरिया में हो, उन सबको भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ले आया गया। तो कंपनी के अधीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग 1856 से। देखिए, इसके बाद फिर क्या होता है, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। ठीक है, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसके बाद फिर ब्रिटेन में ये व्यवस्था किया जाता है कि भारत का जो शासन है वो कंपनी से भारत के शासन को ले लिया जाएगा, और भारत का जो शासन है
सीधे तौर पे जो ब्रिटेन का क्राउन है उसके अंतर्गत, मतलब ब्रिटेन में जो भी राजा या रानी हो उसके अंतर्गत ले आया जाएगा। मतलब पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त करके भारत को क्या किया गया कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश सत्ता था, उसके अंतर्गत ले आया गया। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत में जो, उसके बाद जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, जब वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया, तो उस गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम करिएगा वसराय। ठीक है, जो पहले गवर्नर जनरल जो कहलाते थे वही वसराय कहलाने लगे। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले से ऑलरेडी थे भारत में पोस्टेड, तो पहले ये थे गवर्नर जनरल के रूप में, लेकिन बाद में बन गए वसराय। इन्होंने 1862 तक अपना सेवा दिया। ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का अंतिम वसराय थे, ये व्यवस्था चला भारत के आज़ादी तक। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में बने थे भारत के वसराय, और भारत के आज़ादी तक भारत के वसराय ही रहे। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गया, तो उस समय भारत स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन भारत उस समय गणतंत्र नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि भारत तो ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र हो गया था, लेकिन भारत अभी तक राष्ट्रपति का पोस्ट क्रिएट नहीं किया गया था। मतलब भारत में प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन उसको गवर्न करने वाले कोई राष्ट्रपति नहीं थे। तो जब तक भारत में संविधान लागू नहीं हुआ ढंग से और भारत में राष्ट्रपति का पोस्ट नहीं बनाया गया, तब तक ये जो वसराय का नाम था उसको फिर से भारत का गवर्नर जनरल का नाम कह दिया गया। ठीक है, और जो आज़ादी के पहले भारत के वसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हीं को फिर से स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने अपना सेवा दिया जून 1948 तक। उसके बाद जून 1948 में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए, जिनका नाम था जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद राष्ट्रपति का पोस्ट ले आया गया। तो इन्होंने कब तक अपना सेवा दिया, तो जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, मतलब भारत में संविधान लागू होने तक, भारत में राष्ट्रपति का पोस्ट बनने तक उन्होंने अपना सेवा प्रदान किया। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि पहले बंगाल का गवर्नर था, उसी को बाद में क्या गया बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर से वही पोस्ट बन गया भारत का गवर्नर जनरल का। जब भारत में 1857 में क्रांति हुआ तो भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत में सीधे तौर पे ब्रिटिश साम्राज्य का शासन आ गया। तो उसके बाद यही गवर्नर जनरल का पोस्ट का नाम बदल के कह दिया गया वसराय का पोस्ट। उसके बाद भारत 1947 में आज़ाद हो गया तो फिर से जो वसराय का पोस्ट था उसका नाम बदल के कह दिया गया गवर्नर जनरल का पोस्ट। और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल का पोस्ट, जब भारत में संविधान लागू हो गया तो फिर भारत में उसी पोस्ट का नाम बदल के कह दिया गया राष्ट्रपति का पोस्ट। तो इसमें क्या हुआ, हर एक समय कुछ ना कुछ उनके पावर में चेंज आया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज आता गया था। तो अब मेरे साहब कोई कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, वसराय कौन थे, स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल कौन थे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति कौन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विथ नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।